आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। श्रावस्ती जनपद में बाढ़ पीड़ितों को राशन सामग्री नहीं मिली, जिसको लेकर भाजपा नेता की अगुवाई में सैकड़ों बाढ़ पीड़ित डीएम ऑफिस पहुंच गए, जहां पर उन्होंने डीएम से राहत सामग्री की गुहार लगाई। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने रिपोर्ट लगाने के लिए लेखपाल पर पैसे लेन देन का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी नेहा प्रकाश को सख्त निर्देश दिया था कि हर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाई जाए, जिसमें कोई लापरवाही नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन तहसील जमनाह के भगवानपुर गांव से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां भीषण बाढ़ में भगवानपुर पूरा गांव जलमग्न हो चुका था। श्रावस्ती पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब लोगों को राहत सामग्री देने का निर्देश दिया, तो गांव में तैनात लेखपाल बाढ़ पीड़ितों से रिपोर्ट लगाने के नाम पर अवैध वसूली करने पर उतारू हो गए। यहां के बाढ़ पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि लेखपाल रिपोर्ट लगाने के नाम पर पैसे की मांग कर रहे हैं। वहीं जब ग्रामीणों का सुनने वाला कोई नहीं हुआ, तो यह बाढ़ पीड़ित भाजपा नेता रणवीर सिंह की अगुवाई में डीएम कार्यालय पहुंच गए और अपना हक मांगने लगे, जहां पर बाढ़ पीड़ितों ने डीएम के नाम ज्ञापन भी दिया। भगवानपुर में कोई लेखपाल साहब हैं, वो आप लोगों से कुछ उन्होंने अपेक्षा किया कि अगर हमको आप सहयोग नहीं करेंगे इस तरह का, तो हम आपका नाम इस सूची में नहीं डालेंगे। तो उसमें प्रधान जी ने अवगत कराया, तो हमने माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से बात किया, तो ग्रामीण की बात जिलाधिकारी माध्यम से अपना ज्ञापन दिया जा चुका है, और उसमें मैं अपने पार्टी की तरफ से मैं आप सभी को चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं, सभी ग्रामीण भाइयों को, कि जिन जिन घरों में नुकसान हुआ है, हमारी सरकार एक एक पाई उनका हिसाब करके उनको राहत सामग्री पहुंचाएगी। यहाँ की बात की हमारे वहां पिछले साल भी 80% धान था और धान गिर गया था, तो उसमें तहसील के कर्मचारी लोग ये खाली गए, जो पैसा दिया उसका तार हुआ, जो नहीं दिया उसका चाहे 10 बीघा सड़ गया हो चाहे 20 बीघा सड़ गया हो, उसका काम कुछ नहीं। मतलब धान के नुकसान, मतलब जो फसलों का नुकसान होता है, उसमें भी पैसा की भरपाई की करनी पड़ती है जी। और पिछले साल देख के ग्रामीण ने बहुत आक्रोशित हुआ कि पिछले साल तरह होगा तो अब की लोग हम लोग तो बेकार हो गए, अब की तो कुछ नहीं रह गया, पिछले साल धान ही गया था और घर में था तो खाए थे, लेकिन अब की बार घर में भी कुछ नहीं रह गया, किसी के घर में कुछ नहीं रह गया, कोई मेरे के कोई काम चला रहा है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं प्रशासन से कि वहाँ अगर हो सके प्रशासन से तो दूसरी टीम गठित करके वहाँ फिर से सर्वे कराइए, जांच कराइए प्रशासन से, और बस हमारी यही विनती है।